सुभान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी मैं भी अच्छा हूँ। काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई, सोचा इबादत आपसे इतनी बात कर रही है, मेरी एक बार भी नहीं हुई, सोचा आपको फोन कर लूं। अरे छोड़ो सुभान, तुमने दो चार दिनों में फोन कर तो लिया, तुम्हारी बीवी को तो इतनी भी तमीज नहीं है कि मुझे एक मैसेज कर लेती। खैर छोड़, मुझे कौन सा उससे बात करनी है? इबादत से आपके इतने दिनों में बात नहीं हुई? बात तो दूर की बात है सुभान, मेरे सामने तो उसका जिक्र तक नहीं हुआ है। और क्यों? सुनो, जबरदस्ती सेंध लगाकर मेरे बेटे की जिंदगी में घुसी है, मेरा बदला तो अल्लाह ही लेगा। छोड़िए ना अम्मी, क्यों दिल जलाती हैं? आप आराम कीजिए, मैं फुर्सत में आपको कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यानी इबादत ने मुझसे फिर से झूठ बोला, उसने अम्मी को फोन किया ही नहीं, और इतनी रात को किससे बात कर रही थी? रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। हाँ बोलो कायनात, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत से। यहाँ लंदन तो आ गई हूँ लेकिन मेरा दिल वहीं पर है, और आप ऊपर से मेरा फोन कट कर रहे हैं। मैंने फोन कट किया? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्यों काट रहे हैं मेरा फोन? एक तो खुद से फोन करते नहीं है, और मैंने किया है तो काट रहे हैं। हाँ हाँ वो नींद में हाथ लग गया होगा। बोलो क्या बात है? बात कुछ नहीं है, नमाज पढ़ने के साथ साथ आप मेरे बच्चों का ख्याल भी रखा करिए बस। कायनात तुमने इतनी रात को ये कहने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया है कि अभी थोड़ी देर पहले सुभान का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि आप तो रोज इबादत से बात करती होंगी, तो मैंने सुभान से कहा कि नहीं, मेरी इबादत से कभी बात होती ही नहीं है। तो आप जानते हैं सुभान चौंक गया, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं इस बार इस आफत की पुड़िया ने कौन सी कारस्तानी की है। इबादत का सुभान के साथ होना ऐसा है जैसे कि बिल्ली का दूध की रखवाली करना। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है आफिस, मेरे बच्चों का ख्याल रखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप सुन रहे हैं ना हाफिज? हाँ कायनात मैं समझ गया, मैं सुबह उठ के देख लूंगा कि दोनों बच्चे ठीक है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो। ध्यान रखिएगा सुभान का।